मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ट्रैफिक महिला अधिकारी की मनमानी से आमजन परेशान, पुलिस अधिकारी नहीं कर रहे हैं कोई कार्रवाई। ग्वालियर में आकाशवाणी तिराहे पर गाड़ी रोकने को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता और ट्रैफिक पुलिस के बीच विवाद हो गया। विवाद के बाद भाजपा के कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और ट्रैफिक की महिला अधिकारी को हटाने की मांग पर अड़ गए। मामला वर्ता देख पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले को शांत करवाया। वार्ड नंबर 57 मुरार के पूर्व पार्षद ब्रजेश गुप्ता ने बताया कि आज गांधी जयंती के अवसर पर भगत सिंह मंडल और रामकृष्ण मंडल के कार्यकर्ता सफाई अभियान में शामिल होकर लौट रहे थे। हमारे एक कार्यकर्ता पीछे रह गया था, ट्रैफिक पुलिस ने तैनात मैडम ने उसे रोक लिया और अभद्र व्यवहार करते हुए उस पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप लगाने लगी। सूचना मिलने पर मंडल अध्यक्ष उमेश भदौरिया पहुंच गए तो उनसे भी मैडम ने अभद्र भाषा में बात की तो मैं भी पहुंचा तो मेरे साथ भी ठीक से व्यवहार नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो आम जनता के साथ ये कैसा व्यवहार करते होंगे, इसलिए हमने मैडम को हटाने की मांग करते हुए धरना दिया। उधर DSP नरेश अन्नौटिया ने कहा है कि विवाद जैसी कोई बात नहीं है, मामला सुलझ गया है, कुछ कहा सुनी हो गई थी। सारे कार्यकर्ता मंडल के, भगत सिंह मंडल के और रामकृष्ण मंडल के, आज 2 अक्टूबर है, सफाई अभियान करके, नालों में सफाई करके, झाड़ू लगा लोगों के कार्यक्रम करके आ रहे थे वापस। एक कार्यकर्ता हमारा ये रह गया था पीछे से, ये पीछे से निकला तो अच्छी गाड़ी रोक ली और इसने कहा मैडम हम ऐसे ऐसे कार्यक्रम में से आ रहे हैं, तो बोले चल तू दारू पिए हुए है, मतलब इतनी बदतमीजी से बोलना, आप सुबह सुबह कार्यकर्ता आ रहा है क्या आपको ये लगता है कि शराब पिए हुए है। और मैडम ने पीछे से हमारे मंडल अध्यक्ष आ गए, हम लोग भी आ गए, हमने कहा मैडम ये कार्यकर्ते आए, हम लोग कार्यक्रम में से आ रहे हैं और आपको कागज़ देखना, कागज़ देख लो, जो आपको अच्छा लगता है वो समझ लो आप। तो ना तुम कौन, मंडल अध्यक्ष उमेश भदौरिया से बोलते हैं, आप कौन, चलिए अडिए और बदतमीजी से बोलने के बाद गाली गलौज देना। उस कारण विवाद हुआ, उस विवाद में सारे हम पार्षद, मैं पार्षद हूँ वार्ड नंबर 27 से मुरार से भाजपा का, और हमारे मंडल अध्यक्ष रामकृष्ण मंडल के और भगत सिंह मंडल के, हम सब लोग कार्यकर्ता यहाँ धरने पर बैठे और मैडम को हटाने की बात कहा और ये कहा कि ये बदतमीजी जब भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ हो रही है तो आम जनता के साथ क्या स्थिति होगी। ये ग्वालियर की स्थिति है इस समय। अभी आप लोग धरने पर बैठ गए थे? हाँ, धरने पर बैठे थे तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम मैडम को और स्टाफ को यहाँ से हटा के, शासन प्रशासन आपका है, आपकी वाली बात रही कि कई बार गलत फहमियाँ हो जाती हैं, वो गलत फहमियाँ आपके सामने हैं, इसके सुधार के लिए हम ऊपर भी बात करेंगे और आपके सामने हमने मैडम के हटाने के लिए भी दिया है कि कम से कम अन्नौटिया जी को बताया है और मामला शांत हो गया है फिलहाल। अपना नाम बताइए। मेरा नाम ब्रजेश गुप्ता, मैं वार्ड नंबर 27 से पार्षद हूँ। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखो क्या है कि उसको लेके कुछ बात कहा सुनी आपस में हुई होगी कार्यकर्ता से BJP के, अब उससे पता तो चलता नहीं है, लेकिन हम लोग भी अब आ गए, जब आपसी बैठ के बात की तो हमने कह दिया कभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसी विवाद इनका कोई था, कोई ऐसा विवाद नहीं था, कहा सुनी हो जाती है कभी कभी, ये है ना। कुछ नहीं, गाड़ी रोकने को लेकर कुछ कहा सुनी हुई होगी, विवाद कुछ नहीं था भाई, उसका विवाद का रूप अपन दे सकते, कहा सुनी हो गई, कहा सुनी को अपन विवाद मान लो, ऐसा विवाद नहीं था, कहा सुनी हो गई, आपस में बैठ के बात हो गई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। मंडल अध्यक्ष थे तो क्या नाम है? नहीं, मंडल अध्यक्ष का तो मुझे कोई नाम वाम बताया नहीं, यही बता रहे थे कोई BJP के कार्यकर्ता लोग थे, है ना, कोई नाम तो कोई बता रहे थे BJP के, ना BJP के कार्यकर्ता थे, है ना, ये तो उनका उनने मान लिया कभी कोई दिक्कत नहीं, उनका कहना, सबका कहना ये था कि भाई कि गलत बात करते हैं, हमने कर्मचारियों को भी समझा दिया कि भाई आम जनता के साथ हमें अच्छी बात करना है, हमारा काम चालान करना है, चालान करिए लेकिन आम जनता के साथ अच्छा व्यवहार करिए।